बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नुसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन अलहयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, खुसूसन उसके जो चेयरमैन हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जानज़ेब आलम, जो पाकिस्तान से फरार होकर उन्होंने दियारे गैर को अपना मस्कन बना लिया है। अब दियारे गैर में बैठ के जानज़ेब आलम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक जानिब इस्लामाबाद का एक PWD की मेन एंट्रेंस के ऊपर दफ्तर खोला गया और दूसरी जानिब एक और ऑफिस भी अब तकरीबन कह लें कि तकमील के आखिरी मराहल में है, वो दफ्तर भी खोला जा रहा है। जानज़ेब आलम के साथ दियारे गैर में क्या कुछ हुआ, प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताऊँगा। हमारा काम है आपको हकीकत बताना, क्या वाकई ही पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स भी आएगा जो मुजारबा के लाइसेंस के साथ मार्केट में उतरेगा, कोई ऐसा शख्स भी आएगा जो हकीकी मायनों में पाकिस्तानी आवाम को डिलीवर कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपनी इज्जत का ख्याल होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि बस मार्केट में आए हैं, पैसा उठाना है और भाग जाना है। रात को एक और इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तान में एक नौसरबाज ऐसा भी है कि जो सिर्फ 12 से 13 दिन की कंपनीज बनाता है, मुख्तलिफ नामों से भेस बदल कर मार्केट में आता है, 22 दिन का दावा करता है कि पैसे डबल करके वापस करूंगा और 13वें दिन 14वें दिन वो शख्स कंपनी बंद करके फिर एक दो माह बाद एक और नए नाम से मार्केट में आ जाता है। उसके ऊपर रोशनी जरूर डाली जाएगी। ISMR ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से आपको ये बता दें कि उसके जो मालिक हैं शौकतुल्लाह मरवत, उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि बहुत जल्द जो क्रिस्टल टावर ऑलरेडी सोल्ड आउट हुआ है, वो क्रिस्टल टावर भी किसी इन्वेस्टर को बेच दिया जाएगा और शौकतुल्लाह मरवत प्ली बारगेन के बाद बाहर आ जाएंगे और उनका दावा है कि वो लोगों को वापस करेंगे पैसे। तो ऐसा नामुमकिन है क्योंकि यहाँ पर जो भी नौसरबाज आया वो एक दफ़ा भाग गया या पाबंद सलासल हो गया तो उसके बाद वो लोगों को पैसा वापस नहीं करता। क्योंकि जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जब तक लालची जिंदा है, ठगबाज, नौसरबाज, लुटेरा, बहरूपिया, फ्राडिया, ये कभी भूखा नहीं मरेगा। जिस तरह मैंने उस शख्स की आपको वो इंशाल्लाह सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि वो 13 दिन की कंपनी कौन सी है, कैसे लोगों को चूना लगाता है, कराची बेस्ड वो शख्स है और उसकी तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम किया भी था लेकिन अब दोबारा से उसने कुछ लोगों को चूना लगाया तो आपके सामने हकीकत रखूंगा। अलहयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये आई है कि उनकी जानिब से, यानी कि जानज़ेब आलम की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो 1 लाख रुपए तक इन्वेस्टर है या उसके कम जो इन्वेस्टमेंट उसने की है उसको फौरी तौर पर बाय बैक दिया जाएगा। और फिर एक जानिब ये भी दावा किया जा रहा है कि हम लोगों को उनका पैसा वापस करेंगे, उनको विड्रॉ देंगे। लेकिन दूसरी जानिब आज एक इंकशाफ हुआ है कि जानज़ेब आलम साहब दियारे गैर में पकड़े गए हैं। अब किस केस में पकड़े गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, इसमें कितनी सदाकत है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या जानज़ेब आलम को वक्ती तौर पर गिरफ्तार किया गया था, कहीं कार हादसा हुआ था या कोई उन्होंने रूल रेगुलेशन के लिए खिलाफवर्जी की थी वो दियारे गैर में गिरफ्तार हुए हैं या सिर्फ रूमर्स हैं। क्योंकि जानज़ेब आलम जिस तरह 8 माह से रुपोश हैं, फिर पाकिस्तान से उन्होंने बोरी बिस्तरा उठाया अपनी फैमिली के हमरा, वो कतर गए, कतर से वो USA गए और वहाँ पे बैठ के वो अब लोगों को तिफल तसलियाँ दे रहे हैं। जानज़ेब आलम ने जो 3-4 लोग रखे हैं, मेरे तक इतला ये पहुँची है कि उन्होंने वो लोग रखे हैं उनको महाना 1.5 से 2 लाख रुपया सैलरी दी जा रही है और वो अब लोगों को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं कि हमने ऑफिस ओपन कर दिया, बाय बैक भी करेंगे, रिफंड भी करेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ लगता नहीं है क्योंकि जो भी नौसरबाज एक दफ़ा भाग जाता है तो वो कभी पाकिस्तान में वापस नहीं आता। उसको मालूम होता है कि हमने जितना पैसा उठाना था उठा लिया, उन पैसों पर वो अय्याशी मारते हैं और बाहर बैठ के पाकिस्तानी इदारों के ऊपर, पाकिस्तानी कवानीन के ऊपर हंस रहे होते हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड करके हम आए और हमें किसी ने हाथ तक नहीं रखा। जहां तक आपको अलहयात ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक बड़ा कमीशन एजेंट है जिसका नाम अजहर हुसैन है, उसके मुतलिक भी एक इंकशाफ हुआ है कि अजहर हुसैन ने एक कंपनी लॉन्च की है। एक तरफ वो अलहयात के साथ है तो दूसरी जानिब
वो एक कंपनी लॉन्च करके और ट्रेडिंग के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, क्योंकि अल हयात का जितना भी ग्रुप था, अल हयात की जितनी भी टीम थी, उनको भी अजहर हुसैन अब वो इस तरफ लेके आ रहा है कि उसने जो कंपनी बनाई है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। जिस तरह मैग वेंचर्स में उमैर जफर आया, उमैर जफर मैंने आपको उसकी हकीकत बताई थी कि उमैर जफर क्या क्या कर रहा है, और अब उमैर जफर जो है वो लोगों के साथ क्या ड्रामे रचा रहा है वो आपके सामने है कि जो बंदा एक कंपनी में रहता है, करोड़ों रुपए कमाता है, भाग जाता है, दूसरी कंपनी में आ जाता है, वही हिसाब अजहर हुसैन का है जो तलागंग से ताल्लुक़ रखते हैं, चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अल हयात में डायरेक्टर थे, फिर अल हयात ने स्कैम किया, तो अब वो अल हयात के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक और कंपनी भी लॉन्च की और उस कंपनी में बैठकर, यानी कि फ्रंट पे अल हयात होगा, अंदर खाते उस कंपनी की प्रेजेंटेशन दी जा रही है लोगों को और उनको कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स को पैसा वापस मिलता है या नहीं मिलता, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो इतलात मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ ज़राए से, वो बड़ी संगीन नोयत की इतलात आ रही हैं। जहाँ जानजेब आलम 8 माह स्क्रीन से गायब रहे, फिर एक दफ़ा स्क्रीन पे आए, वीडियो बयान जारी किया, लोगों को तसलियत दी, लोगों को, इन्वेस्टर्स को लॉलीपॉप दिए, अब दोबारा हो सकता है कि वो जो कह रहे हैं कि हम लोगों को रिफंड देंगे, लोगों को विड्रॉ देंगे, इसमें हकीकत नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जब बंदा पाकिस्तान में होता है तो एक होप होती है, एक उम्मीद होती है, जब बंदा इस मुल्क से फरार हो जाता है तो फिर लगता नहीं कि वो पैसे वापस करेगा, क्योंकि जो लोग रखे गए हैं, जिनमें मुख्तलिफ लोग हैं, वो भारी तनख्वाहों पर रखे गए हैं और उनको टास्क ये दिया गया है कि आपने तमाम इन्वेस्टर्स को खामोश करवाना है, तमाम इन्वेस्टर्स को जो नया हवाओं में प्रोजेक्ट लेके आए हैं वो आपने दिखाना है, ताकि लोगों से मजीद इन्वेस्टमेंट उठाई जाए, पुराना जो यूज़र है उसको नई इन्वेस्टमेंट से पैसे दिए जाएँ और जो नया इन्वेस्टर है उसको दोबारा लॉलीपॉप दिया जाए। क्योंकि जहां तक अब्दुल्ला सिटी का ताल्लुक है, मेरे YouTube के ऊपर अब्दुल्ला सिटी के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कि दो भाइयों की वो जमीन है, आसिम अजीज और ताहिर अजीज, उन लोगों ने वो ब्लू जो अब्दुल्ला सिटी है वो मुख्तलिफ नामों से लोगों को बेचे हुए हैं, और अब अब्दुल्ला सिटी के नाम पर जानजेब आलम साहब लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो जानजेब आलम की बात में सदाकत नहीं लगती। क्योंकि जो ऑफिस PWD की लोकेशन में बताया गया है, वो ऑफिस जब अल हयात काम कर रही थी उस वक्त भी इनके पास था, अब सिर्फ लोगों के साथ ड्रामे रचाए जा रहे हैं। जहां तक नाज़रीन सतारा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात है, तो इसके जो मालिक हैं आफाक अहमद, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो मुजारबा का लाइसेंस लेके आएंगे और फिर मार्केट में काम करेंगे। उनका दावा किस हद तक सच्चा है, किस हद तक झूठा है, अलसफा ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले देख ले 5 से 3% पे आ गए हैं, और अब अलसफा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो मालिक हैं मलक तोकीर शहीन, मलक तोकीर आवान, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, वो भी अब कोशिश करेंगे किसी तरीके से इस दलदल से निकला जाए, क्योंकि उनका जो टारगेट था उस टारगेट को वो अचीव कर चुके हैं। और इनकरीब आपको पता चलेगा कि जो जाली ISI का इंस्पेक्टर बनकर लोगों को लूट रहा था, हाफिज शहजाद अमीन खटक और मलक तोकीर आवान, वो पाकिस्तान से फरार हो गए हैं, बैरून मुल्क पहुंच गए हैं, और वहां पे वो ट्रेडिंग के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। मैग वेंचर्स का भी यही चक्कर है, जो उसके मालिक हैं सैयद मोहसिन सुल्तान शाह और जो उनके MD हैं राना फयाज, उन्होंने भी दोनों हाथों से लोगों को लूटना है। तो खुदा रहा, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा कि ये नौसरबाज आपको जो बड़े इनाम का, बड़े प्रॉफिट का लालच देते हैं, ये सिर्फ आपको लूटने के लिए आते हैं। अगले प्रोग्राम तक ले अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।